नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसा धुन जिसको बजाओगे जब जब प्रोग्राम पे जा रहोगे, और शुरू में जब इस धुन को बजाओगे तो सुनने वाला का दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये धुन को आप रियाज कीजिए अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो। फिर पहले आप बेंजो पे रियाज कर लीजिए, उसके बाद आप अपने तबला वाले या पैड वाले के साथ इस धुन को अच्छे से रियाज कीजिए। अगर आप शुरू में कहीं प्रोग्राम में जाते हैं ये धुन को बजाइएगा तो सब सही में झूमने लग जाएगा और सबका दिल खुश हो जाएगा। ये एक रिदम है जो प्रोग्राम के शुरू में बजाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है इसका धुन। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूं। तो यहां पास को मैंने काली चार पे ट्यून किया है, ठीक है। खुला डी शार्प पे ट्यून है, डी शार्प पे आप अपना बेंजो ट्यून कर लीजिए, फिर आपको जल्दी से अच्छे से समझ आएगा। अगर आपका दूसरा स्केल में बेंजो ट्यून हुआ रहेगा तो मेरा वीडियोस देख देख कर आप बजाना सीखेंगे तो आपको थोड़ा अलग लगेगा, इसलिए पहले डी शार्प पे ट्यून कर लीजिए फिर बजाइए, ठीक है, तब आपको थोड़ा ठीक लगेगा सीखने में। चलिए चालू करते हैं वीडियो, यहां से चालू करेंगे, ठीक है। इसको करना, इसको इतना फास्ट बजाना है। चलिए देखते हैं स्लो, ठीक है, यहां से चालू करेंगे। उसके बाद कॉर्ड देंगे, या तो आप झाला से भी दे सकते हैं या तो इससे भी दे सकते हैं, इस तरह से कॉर्ड देंगे, ठीक है। झाला पे भी दे सकते हैं, मेरा झाला उधर फिट नहीं हुआ है। अब बाजा रिदम आएगा, फिर हम चालू करेंगे। चलिए इसको स्लो देखते हैं। तो जब शुरू में जब इसको चालू करेंगे तो इतना फास्ट बजाना, ठीक है।
एक बार और दिखा देता हूँ स्लोली। तो ये धुन था, इसको आप अपने तबला वाले के साथ या पैड वाले के साथ संगत कीजिए, बहुत ही अच्छा धुन है दोस्तों। शुरू से जब आप इसको बजाओगे, रिदम दोगे, बहुत ही अच्छा लगता है ये। हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो शुरू में इसी धुन को बजाते हैं। तो ये धुन मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, अगर आप लोग सीख जाते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगेगा तो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।